Welcome back to Learn Science with Meera. So today I learn in this video what is solution. आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक्चुअली में सॉल्यूशन होता क्या है. अगर आप ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस जैसे कि लाइक व्हाट इज एलिमेंट, होमोजीनियस, हेटरोजीनियस, रिप्रोडक्शन एंड जाइगोट, ये सारे वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं, डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं, तो ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई हैं. आप हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं. सो चलिए शुरू करते हैं हम कि सॉल्यूशन एक्चुअली होता क्या है. सो हियर इज अ डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन. अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज अ होमोजीनियस मिक्सचर. यानी यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो सॉल्यूशन आपका होता है ये आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है. आपके माइंड में आएगा कि एक्चुअली होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है. तो सपोज अगर मान लीजिए कि आप एक ग्लास वाटर लेते हैं, यानी वन ग्लास ऑफ वाटर में आपने कुछ शुगर को ऐड किया, और जब आप ग्लास में शुगर को ऐड करेंगे तो पूरे ग्लास का पानी जो होगा वो कैसा टेस्ट होगा, आपका स्वीटी टेस्ट हो जाएगा. ओके, यानी उसमें ऐसा नहीं है कि ऊपर का पानी आपका स्वीटी होगा और नीचे का पानी नहीं होगा. सो इसमें क्या है कि प्रॉपर तरीके से आपका जो शुगर क्या होगा, वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा. उसी को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं. अगर आप डीपली देखना चाहते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर एक्चुअली में होता क्या है, तो ऑलरेडी मैंने वीडियोज बनाई हुई है, आप हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं एंड डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं. सपोज आप ऐसे एक ग्लास पानी लिया और इसमें आपने क्या करा, शुगर को कुछ ऐड करा, तो ये पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन होगा तो आपका ये होगा शुगर वाटर. यानी इसी को हम क्या बोल रहे हैं कि प्रॉपर तरीके से जो डिजॉल्व हो जा रहा है, ऐसा इसमें पता नहीं चलेगा कि किधर शुगर है, राइट. इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर. तो यहां पर यही कहा जा रहा है कि सॉल्यूशन जो होता है आपका होमोजेनियस मिक्सचर होता है. और ये क्या होता है, टू प्योर सब्सटेंस. और इसमें क्या होता है, टू प्योर सब्सटेंस होता है. और ये जो सब्सटेंस आपका है, ये आपका एलिमेंट एंड कंपाउंड दोनों हो सकता है. ओके, देन यहां पर आपको बोला गया है कि एंड दीज आर ऑफ फिजिकली कंबाइंड. ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का डेफिनेशन जैसा कि मैंने बोला कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूशन, एंड आपका ये क्या होता है, फिजिकली कंबाइंड होता है. यानी टू प्योर सब्सटेंस आपके क्या होंगे, फिजिकली कंबाइंड होंगे, केमिकली कंबाइंड नहीं होंगे. फिजिकली कंबाइंड इट मीन्स दो जब सब्सटेंस मिलेंगे तो एक न्यू प्रोडक्ट नहीं बनेगा, राइट. यानी ये केमिकल प्रोसेस नहीं है, फिजिकली है. केमिकल लाइक जैसे कि अगर मान लीजिए आप मिल्क से कर्ड बन गया, तो कर्ड से आप दोबारा मिल्क नहीं बना सकते, उसको हम बोलते हैं केमिकली, राइट. और फिजिकली आपका जैसा कि ये मैंने आपको बताया, सॉल्यूशन आपका फिजिकली होता है. अगर सपोज हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल में सपोज आप शुगर लेते हैं, शुगर एंड प्लस वाटर दोनों को अगर आपने मिक्स करा तो क्या बना है यहाँ पर, आपका शुगर वाटर बना है यहाँ पर, राइट. अगर आप सॉल्ट और प्लस वाटर को आप लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, सॉल्ट वाटर. तो जो आपका ये शुगर वाटर बना एंड जो आपका ये सॉल्ट वाटर बना, यही आपका क्या होता है, यही आपका सॉल्यूशन होता है. ओके, यानी दो कंपोनेंट यहां पर आपके मिले और ये फिजिकली कंबाइंड हुए और आपका क्या बना, एक सॉल्यूशन बना. इसी को हम सॉल्यूशन कहते हैं. अगर हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन के कंपोनेंट कितने हैं, तो सॉल्यूशन का जो कंपोनेंट होता है आपका दो होता है. फर्स्ट आपका होता है सॉल्वेंट एंड सेकंड आपका होता है सॉल्यूट. तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपका क्या है, कंपोनेंट है सॉल्यूशन का. सो आज के वीडियो में आपने सीखा कि सॉल्यूशन क्या है और सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स कितने होते हैं. और आगे के हम वीडियो में देखेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक्चुअली में क्या होता है आपका. अगर आप देखना चाहते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे का जो भी अपडेट है आपको मिलता रहे. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड फ्रेंड के साथ वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिएगा.